नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की कि आपने दोबारा संवाद का अवसर दिया। सर, हम सब लोग इस बात पर अंदेशा जताकर चलते ही हैं कि बोगस वोटिंग होती है चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बोगस वोटिंग हुई है, लेकिन अब महाराष्ट्र एटीएस ने जिन चार बांग्लादेशियों को पकड़ा है उससे तो इस बात पर मोहर लग जाती है कि इस तरीके से आए घुसपैठिए चुनाव में वोटिंग करते ही हैं। इससे ज्यादा अकाट्य साक्ष्य क्या हो सकता है कि जो महाराष्ट्र एटीएस ने जो काम करके दिखाया, मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद कि ये जो चार पकड़े गए हैं इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, वो किसी की अमानत हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो राष्ट्रद्रोही कृत्य में फर्जी वोटर्स आईडी, और फर्जी वोटर्स आईडी बने कैसे, फर्जी पता, फर्जी अन्य अभिलेख, उसके आधार पर फर्जी आईडी। यहां तक ही बात समाप्त नहीं हुई, इन्होंने वोटिंग भी की है। ये तो आप देख रहे हैं कि केवल चार, और कहां पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं। पांच अभी भूमिगत हैं, और पांच अगर भूमिगत हैं तो नौ का हिसाब तो ये है। इसके अलावा कितने लाखों एक जगह से दूसरी जगह, जैसे पैरामिलिट्री मूव करती है अंजू जी, अगर आज यहां पहले चरण में, दूसरे चरण में पैरामिलिट्री वहां जाएगी, तीसरे चरण में फिर जाएगी, तो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स की भी एक फौज है अपने नाजायज कागज के साथ। आज इन्होंने उत्तर प्रदेश में, कल कर्नाटक में, परसों महाराष्ट्र में, जगह जगह जाकर के ये भी मूव करके, ये जो वोटिंग पैटर्न है, और हम बिल्कुल खुशफहमी में सो रहे हैं या हम अपने सर हमने बालू में ढक लिया है कि वहां पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है अंधेरे में कि बिल्ली नहीं है, हमारी वही गति है। चार पकड़ लिए, पांच भूमिगत हैं, इनका तो हिसाब मिल गया, लेकिन इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि बड़ी संख्या में नाजायज बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ कर रहे हैं, नाजायज अभिलेख बन रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। हमारे कितने लोग यहां भारत में ऐसे जो कि नागरिक है और वोटिंग नहीं कर रहे हैं, ये यहां आ रहे हैं। लोग पहले कहते थे नौकरी के लिए, ना नौकरी के लिए नहीं। इससे दो चीजें स्पष्ट है, उन्होंने मोदी जी को तो वोट दिया नहीं होगा, उन्होंने किसको वोट दिया होगा ये आप भी जानती हैं, मैं भी समझ रहा हूं। जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको हवा देने के उद्देश्य से इन लोगों को इनकी घुसपैठ कराई गई। आप समझे कितना बड़ा टूल किट है, उनको वोटर्स आईडी दिलाई गई, उनकी बड़ी संख्या में जाकर के एक चरण से दूसरे चरण में ले जाकर के उनकी वोटिंग करवाई गई। तो इस भयावस्थित से निपटने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान सरकार एक रोड मैप तैयार करके एक बढ़िया कार्य योजना बनाएगी और इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देगी, बिल्कुल जिसको चाणक्य ने कहा था कि जड़ से उखाड़ करके इनकी जड़ में मट्ठा डालने का समय आ गया है। फर्जी वोटिंग का मतलब इनके अधिकार, वोटिंग अधिकार, जिन जिन ने सपोर्ट किया है उनकी भी नागरिकता समाप्त होनी चाहिए, इनके वोटिंग अधिकार समाप्त होने चाहिए। बिल्कुल सही अंजू जी। पर सर, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से हमने महाराष्ट्र को लेकर पहले भी चर्चा की, वहां पर तो एक ऐसा गांव बसा दिया गया था जहां पर आईएसआई के लोग रह रहे थे, जहां पर बाकायदा पूरे देश में हंगामा करने की तैयारी हो रही थी, हथियार वहां पर लाए गए थे। तो सर, और महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान मस्जिदों से ये बताया गया लोगों को कि कहां वोट करना है, और वहां पर जिस तरह से वोटिंग हुई है उसमें वो सब पैटर्न नजर आता है, तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों का हब बनता जा रहा है? क्यों नहीं, अभी तक तो आपने जो बात की जिसका पहले तो पहले उसमें, क्योंकि वो बात थोड़ी सी पुरानी है लेकिन तात्कालिक है। ये गांव है थाने का पडगा गांव, जहां एनआईए ने रेड करके, आप अगर याद करें कि वहां से कर्नाटक और महाराष्ट्र में 44 जगहों पे रेड किया था और 15 एक्यूज्ड पकड़े थे, 15 एक्यूज्ड पकड़े थे, जिसमें प्रमुख गांव जो इसका प्रकाश में, वैसे तो कई गांव थे लेकिन पडगा गांव जो था उसका नाम रखा था इन्होंने अल शाम। पूरा गांव जो था वो कहे कि आईएसआईएस के अब नियंत्रण में है, भारत का भूभाग नहीं है। 2047 में भारत को पूरी तरीके से इस्लामिक राष्ट्र बना देना ये इनका उद्देश्य था। इनकी बरामदगी इनसे जो हुई है वो जरा देख लें, 68 लाख रुपए नकद, 8 तलवारें, पिस्तौल, एयरगन्स, आईईडी का कच्चा माल कि जब चाहते आईईडी बना सकते थे और मुंबई तक को ये दहला सकते थे। ये तो भला हो कि एनआईए के रेड्स के बाद ये सब गिरफ्तार हुए। अल शाम के पहले जो पडगा का नाम आया था वो इसीलिए आया था कि पूरी तरीके से ये आईएसआईएस के पर समर्पित थे, ब्रेन वॉश्ड। इसमें
साकिब नाचन जो था जो प्रमुख, उसने तो बयात की कसम यानी कि ओथ ऑफ एलिजेंस टू आईएसआईएस उसने यहां तक की कसम खाई थी। मुझे नहीं मालूम कि इनके ऊपर रासुका और अन्य क्या क्या सुसंगत धाराएं लगाई हैं, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हुई कि नहीं है। मामला ये आपने एक कॉन्सिक्वेंस को पकड़ा है, जो कॉज हुआ था दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने इसके पहले तीन लोग पकड़े थे, शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अरशद वारसी, ये तीन पकड़े थे। उसके बाद के घटनाक्रम में कर्नाटक और महाराष्ट्र में 44 स्थानों पर रेड हुई, उसमें 15 पकड़े गए। एनआईए ने इसके बाद अंजुजी चार्जशीट लगाई इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, ये अफगानिस्तान में खुरासान का ये एक सब यूनिट है आईएसआईएस का, और इसमें जो गिरफ्तार किए गए 5 लोग, उबैद नासिर, हयात शौल, मोहम्मद नाजिम शाह, सुमेरा बानो, ये महिला है, ये महिला है आईएसआईएस की वो है एक्टिविस्ट जुबैर, इनका उद्देश्य था अफगानिस्तान गुजरात पोरबंदर के जरिए ईरान जाकर के अफगानिस्तान में प्रवेश करना, चंदा उगाही करना, ट्रेनिंग लेना, लोगों से फंड्स लेकर के फिर भारत में आकर के राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करना, कत्लेआम लोगों को रेडिकलाइज करना और इस तरीके की स्थिति उत्पन्न करना कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, सांप्रदायिक हिंसाएं हो और टारगेटेड किलिंग हो। आईएसआईएस और ये देख लें आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस, इनके पता नहीं अपने हाथ तुम्हारे पास दो समय की रोटी नहीं है और तुम चले हो आके भारत में दुर्व्यवस्था फैलाने। अब वर्तमान मोदी सरकार इससे ये उम्मीद की जाती है कि एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि इस तरीके के चरमपंथियों का इलाज और टूलकिट वालों का इलाज बड़े कायदे से हो जाए, और इसके लिए मैं समझता हूं 12 महीने का रोड मैप और जो आपको बजट देना हो और कुछ लोगों की विशेषज्ञ की टीम लगा करके एक एक व्यक्ति को बीन बीन करके इनके लिए विशेष जेल की व्यवस्था की जाए। जो नाजायज बांग्लादेशी, माना कि उनकी संख्या इतने करोड़ हो गई है, उनके कम से कम जिसके कहते हैं कि सांप का सर कुचल दें, उनकी वोटिंग राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, जॉब करने के राइट्स खत्म कर दें, लेकिन वेलफेयर स्टेट है। मैं समझता हूं कि इन्हीं मुल्क जहां से आए हैं वो इनकी रोजी रोटी का इंतजाम, उनके खाने पिलाने या तो वापस ले या इनको खिलाने का इंतजाम वही करें, वरना इनसे जितना लेबर जेल में लिया जा सकता है, जितना काम कराया जा सकता है, उसकी लेबर और इनकी जो इनकी तनख्वाहें बनती है सुचारू रूप से मानवता के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, अगर इन्होंने 50 रुपए रोज का काम किया तो 50 रुपए के हिसाब से इनका रहने खाने का खर्चा यही उठाएं। अभी तक क्या हो रहा है अंजू जी, एक साहब सन 2000 में पकड़े गए थे किसी राष्ट्र विरोधी तत्व में, अब उनकी फांसी के बारे में निर्णय, 24 साल वो सरकारी मेहमान बन करके वो हमारी आपकी छाती पे मुंह दल रहे थे, 24 साल भारत के टैक्स पेयर्स के कॉस्ट पे वो जिंदा रहा, उसको फांसी हो जानी चाहिए थी। ये 2 करोड़ है, इनको मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इनको वर्कफोर्स में लगाना चाहिए, रेल की पटरी लगाएं, कुएं खोदें, तालाब बनाएं, सड़क का निर्माण करें और इनके ऊपर एक एक चिप जरूर लगा दें। ये वोट नहीं कर सकते हैं, जॉब नहीं ले सकते हैं, इनके किसी तरह के कोई अधिकार नहीं है, घुसपैठिए हैं और घुसपैठिए अपराध के जो अधिकार हैं मानवाधिकार के साथ, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, उसके अलावा थोड़ी बहुत चिकित्सा व्यवस्था, बाकी इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दे देश कि दोबारा कोई थर राजा भारत में इस तरीके से नाजायज प्रवेश करने में। आप करना चाहे तो अंजू जी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है और मैं सरकार के भी कहता हूं कि आपने अपने 2 कार्यकालों में कम से कम देश को हताश किया है, इस बार आप हताश न करेंगे, और हताश करेंगे तो आप अपने बारे में भी, अपने भविष्य के बारे में जरा चिंता कर लें। सर, एक तो हमने इस बारे में भी चर्चा की थी, आपको याद होगा कि रोहिंग्यास बहुत ज्यादा तादाद में पकड़े गए थे, उनके ऑपरेटर्स पकड़े गए थे, वो लोग पकड़े गए थे जो उनको फर्जी वोटर आई कार्ड भी बनाकर देते थे, लेकिन आपको, और फिर एक केस ये भी आया था कि किसी के पैर में चिप लगाई गई थी ताकि उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। तो ये जो लोग पकड़े जाते हैं सर, इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो जाते हैं, इनके साथ भी तो ये सब किया जा सकता है ताकि पता तो चले कि कहाँ कहाँ जाते हैं, इनकी मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, अमेरिका में होता है, वहां मानवाधिकार वाले तो बोलते नहीं है, और हमको भी करना चाहिए, क्योंकि ये अगर कश्मीर में हो सकता है तो पूरे भारत में हो सकता है, और मैं चाहूंगा इस पर निर्णय हो जाए, इस तरीके के राष्ट्र विरोधी तत्व उनके ऊपर ये चिप लग जानी चाहिए, जिससे कि उनका मूवमेंट, उनकी गतिविधियां, वो तमाम चीजें पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास
संकलित होती रहे। सर अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पीएफआई के 4 आतंकवादियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। ये शायद पहला ऐसा मामला है जहां पर ये कहा गया कि ये तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, इसलिए इनको जमानत दी ही नहीं जा सकती, इनको अंदर ही रहना चाहिए। ये मैं स्वागत करता हूं। 11 जून के निर्णय के बारे में शायद आप प्रकाश डाल रही हैं। मैं न्यायाधीशों का आभार और न्यायपालिका को का नमन करता हूं कि उन्होंने राष्ट्र हित में इतना सुंदर एक निर्णय दिया है। ये 19 उमर खय्याम, कय्यूम अब्दुल शेख और रजी अहमद खान, ये 3 थे जिनकी जमानत की सुनवाई के ऊपर अदालत ने जो कार्रवाई की है उसको आप सुनिए। इनका ये राष्ट्र विरोधी है, देश के हित के खिलाफ काम करते हैं, ये भारत को 2047 में एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इनके खतरनाक इरादों के मद्देनजर ये भारत सरकार को डराना धमकाना चाहते हैं। इन खतरनाक मंसूबों के मद्देनजर अंजू जी न्यायालय ने बहुत सुंदर निर्णय दिया और निर्णय यही दिया कि इनको किसी तरह की राहत नहीं मिलनी चाहिए। मैं चाहूंगा इस निर्णय की प्रतिलिपि प्रत्येक पुलिस बल मंगा ले, NIA मंगा ले, IB मंगा ले, रॉ मंगा ले, और जहां कहीं भी ऐसे निर्णय आते हैं तो इसके आधार पर, इस बढ़िया निर्णय के आधार के ऊपर जमानत निरस्तीकरण के बारे में प्रभावी बहस करें और सुनिश्चित करें कि ऐसे शातिर दिमाग के आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्व जमानत पे ना आए बल्कि जेल में ही बाकी जिंदगी उनकी कटे और उनका अंतिम संस्कार जेल की सलाख के पीछे ही हो, वहीं से सीधे जेल की सलाख के पीछे से 72 हूरों के यहाँ जाए। लेकिन सर हमने देखा है कि जब इस तरह के अपराधी पकड़े जाते हैं भले उनको निचली अदालतों से राहत ना मिले, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो मानवाधिकारों की बात होती है और उनको राहत भी मिल जाती है। मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूं, कम से कम ये दर्पण है और मैं खुल के कहूंगा अगर चरमपंथी के लिए आधी रात को न्यायालय का दरवाजा खुल सकता है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक मौलिक नीति और न्याय प्रक्रिया का एक सिद्धांत है, तो कम से कम ऐसे प्रकरणों में जो राष्ट्रहित के हैं उसमें भी न्यायालय आधी रात को खुले न खुले लेकिन तत्परता के साथ राष्ट्रहित में तो निर्णय दे दे। हमारे न्यायाधीश जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट के थे उन्होंने तो एक ऐसा कार्य करके दिखा दिया जो कि एक नजीर है और एक प्रेरणा का स्रोत है सभी कोर्ट्स के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रहित के प्रकरण में चरमपंथी की फांसी की सजा में अगर न्यायालय खुल सकता है आधी रात को तो मैं समझता हूं कि ऐसे तत्वों को सजा दिलाने के लिए भी आधी रात को खुलना चाहिए। सर चरमपंथियों की हम बात कर रहे हैं, इस बार के लोकसभा चुनाव में तो 3-3 लोग चुनाव जीत कर आ गए हैं, इंडिपेंडेंटली खड़े हुए थे। अब तो खबरें ये आ रही हैं कि वो अमृतपाल जो पंजाब की डूगर साहब सीट से जीता है वो तो अदालत का दरवाजा इसलिए खटखटा रहा है कि उसको तो संसद में जाकर शपथ ग्रहण करनी है। शपथ ग्रहण करनी वो तो बात की बात है, शपथ क्या ग्रहण करेंगे कि हम खालिस्तान बनाएंगे, इस बात की शपथ लेते हैं? आपने तो खालिस्तान बनाने के जो खुले आम आपने अभियान चलाया था पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि हमारी जनता और देश भूल चुका है? आप जाके संविधान की शपथ लेंगे जब आपका पूरा कृत्य असंग्य बुनियाद आधारशिला सब असंवैधानिक है तो आपको क्या जरूरत है संविधान की शपथ खाने के लिए हमारे संविधान के और देश के इस पवित्र मंदिर में? इलेक्शन कमीशन को और देश को यह सोचना होगा कि ऐसे आततायियों को आपने अनुमति कैसे दी कि वो निर्वाचन लड़ें। जो कश्मीर के इंजीनियर साहब है, इकबाल इंजीनियर है, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इंजीनियर रशीद और यहाँ पंजाब के दूसरे जो हजरत हैं वो बेअंत सिंह के सुपुत्र हैं, पोते हैं और ये हमारे अमृतपाल सिंह, इन्होंने ऐसा कोई क्रांतिकारी काम नहीं किया है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं, प्रधानमंत्री के हत्यारे के फैमिली लीनियज के हैं, खालिस्तान का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को भिंडरान वालों को समर्थन करते हैं। और राशिद इंजीनियर तो खुले आप पाकिस्तानियों के सहयोग मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे जघन्य अपराधों में है। दूसरी दुश्चिंता देश को जिसका निर्णय करना होगा वो ये कर लें कि चपरासी भी अगर बनना होगा तो चरित्र सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और आपको राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश के लिए वहां कोई नहीं, सरकारी नौकरी तो भूल जाइए, चपरासी या मामूली से मामूली नौकरी के लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है। लेकिन यहां पे देख लीजिए अंधेर,
कि जो जघन्य से जघन्य अपराध में वांछित है, जेल में है, निरुद्ध है, वो कामयाब हो जाते हैं। कामयाब होकर के संसद में जाने की प्रक्रिया में, हमारे लोकतंत्र के पवित्रतम मंदिर में जाकर के वहां पर अपनी विद्वता बखानने की और कह रहे शपथ लेंगे। शपथ किस बात की लेंगे ये हमें और बता दें। आपके हाथ तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से पूरी तरह से सने हुए हैं। किस मुंह से आप कह रहे कि हम जाके शपथ ग्रहण लेंगे? राष्ट्र को सोचना होगा। एक साहब थे, अब दिवंगत है, कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा। जैसे कौन सा तमगा आपको मिल जाएगा, आप गाए तो क्या भला कौन सा कृपा कर देंगे हमारे ऊपर, और नहीं गाएंगे तो कौन सा हमारा अहित हो जाएगा, हम भीग जाएंगे। लेकिन जाके वहां कोई स्वांग रचना, वहां जाकर के कोई ऐसे नौटंकी कर देना जिसको टूल किट बढ़ा चढ़ा करके जाके उसके गली गली के ताबीज चांदनी चौक और इंडिया गेट पे बेचने लगे, मैं साफ दिखाई पड़ रहा हूं। ऐसे अवांछनीय तत्व जाकर के वहां कोई ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि जिससे पूरा देश शर्मसार भी हो सकता है। इसलिए निर्णय लेना होगा कि ऐसे अवांछनीय तत्वों को, अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को, इलेक्शन जीतना तो एक बात है, जनता को भ्रमित करके आप निर्वाचन तो जीत सकते हैं, लेकिन देश को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। देश को निर्णय लेना होगा इलेक्शन कमीशन को कि इनके इलेक्शन को रद्द करेंगे या इनको अनुमति देंगे कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इनको प्रवेश मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। मेरी अपनी संस्तुति ये होगी कि ऐसे अवांछनीय लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। निर्वाचन जीतना कोई बड़ी सामान्य प्रक्रिया है, जनता को बेवकूफ बना करके आप जीत सकते हैं, लेकिन सारे राष्ट्र को बंधक बना करके आप हमारे मंदिर में प्रवेश करें ये कतई अस्वीकार्य होना चाहिए। सर अमृत पाल ने तो किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई, कैसे वो मतलब उस थाने के अंदर प्रवेश कर गए थे अपने साथ गुरु ग्रंथ साहब को लेकर, वो सब क्या था? वो क्या संविधान के दायरे में आता है या वो सिख समुदाय ने उस चीजों को एक्सेप्ट किया? उन्होंने तो सब तरह से इन चीजों का अपमान ही किया, तो फिर वो सच में किस मुंह से जाकर संसद में शपथ लेंगे और कौन उनको एंटर करने देगा? ये तो सीधे सीधे देश की सुरक्षा के साथ भी समझौता होगा ना सर। जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई आज किस मुंह से कह रहे हैं कि संविधान की शपथ लेकर के वो अपनी नई पारी शुरू करना चाहते हैं? निर्णय इलेक्शन कमीशन को करना है, देश को करना है, गृह मंत्रालय को करना है, कैबिनेट को करना है, तो निर्णय ले ले, कहीं ऐसा ना हो चोर दरवाजे से अभी तो तीन आए हैं और अगली बार आप औरों को मौका दे दें उनके मन में भी वलवले पैदा करने, ख्वाब देखने के, जो कि विघटनकारी शक्तियों को हवा मिल जाए और टूल किट को हवा मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि अभी तो ये तीन है, अभी तो यही नजीर है, इसके बाद पता नहीं और कितने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सर यही है कि भले ही ये इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े, लेकिन ऐसे अवांछनीय तत्वों को चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं दी जानी चाहिए। इस बारे में भी चुनाव आयोग को या देश की संसद को कोई कानून लेकर आना चाहिए। सर इस विषय पर आपने विस्तार से जानकारी दी मेरे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। थैंक यू अंजू जी।